हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। तो समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि आज के पेपर कटिंग में दिया गया, देख पा रहे आप लोग। बेहतर स्कोर के लिए विषय को गहराई से पढ़े, लिख कर करे अभ्यास, यहाँ बताया गया। देख पा रहे हो, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 16 से 40 नंबर तक के होंगे एमसीक्यू। तो आप लोग देख पा रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में आप 16 से 40 नंबर तक क्या होगा, आप लोग का एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या है, देख पा रहे आप लोग। देखो, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है। कोविड के बाद बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में एमसीक्यू, जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रश्नों का वेटेज बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इस कारण अब प्रत्येक विषय में 16 से लेकर 40 अंक तक सवाल एमसीक्यू होंगे, ठीक है। इसलिए छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, जिसको सीबीएसई बोलते हैं, ठीक है, से संबंध राजधानी के प्रमुख स्कूलों के शिक्षकों ने बताया है कि एक कोर जहां एमसीक्यू पैटर्न के सवालों से छात्रों की स्कोरिंग बढ़ सकती है, मतलब बढ़ जाती है, वहीं कुछ विषयों में 100% अंक प्राप्त करने वालों की संख्या भी में भी गिरावट हुई है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू के अंक या तो पूरे मिलते हैं, ठीक है, या गलत होने पे पूरे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए परीक्षा में शामिल हो रहे स्टूडेंट को पूरी टेक्स्ट बुक को गंभीरता से पढ़नी चाहिए, यहाँ बताया गया है। इसके बाद देखो यहाँ क्या बताया गया, समझते हैं हम लोग। देखो, स्टूडेंट सभी टॉपिक को गहराई से पढ़े, अमरदीप सिन्हा, बताया गया है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन होने का क्या फायदा है कि आप लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी में टिक मार देते हो, बोलते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, और क्या हो जाता है, गलत होकर आ जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हो जाता है। इससे रिलेटेड आप लोगों को बताया गया है, देख पा रहे हो। डीपीएस रांची के केमिस्ट्री टीचर अमरदीप सिन्हा ने बताया कि परीक्षा में एमसीक्यू महत्वपूर्ण होंगे, इन्हें सही से हल कर स्कोर, मतलब अच्छा स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन विषय को गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां भी होंगी और पूरे अंक कटेंगे। ऐसे में एनसीईआरटी बुक को गहराई से पढ़े, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक जो एकदम गहराई से पढ़ना है, साथ ही सभी टॉपिक को गहराई से पढ़े, सारे डाउट क्लियर कर ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया गया, देखो कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होना चाहिए। प्रवीण चटर्जी बता रहे हैं, बायोलॉजी टीचर प्रवीण चटर्जी ने बताया कि एमसीक्यू से छात्रों का अच्छे अंक मिलते हैं, लेकिन कई छात्र इसमें गलतियां भी कर जाते हैं, इस कारण भी उनका नंबर कट जाता है। एमसीक्यू में बेहतर मतलब बेहतर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। छात्रों को तुक्का मारने से बचना चाहिए, देखो यहाँ बहुत ही अच्छा चीज बताया गया, छात्रों को तुक्का मारने से बचना चाहिए, लगातार लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यू मतलब सब हल्के में ले लेता है, लेकिन बहुत बड़ा बात है एमसीक्यू, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बताया गया, ये देखो किसका कितना वेटेज है वो आप लोग पढ़ लेना। अब देखो यहाँ बताया किस विषय में कितने अंक होंगे एमसीक्यू में 10वीं परीक्षा में, देखो विषय एमसीक्यू, देखो मैथ में आप लोगों का 20 रहता है, ये 10th का, ठीक है। साइंस में 16 रहता है, सोशल साइंस में 20 रहता है, हिंदी में 40 रहता है, साइंस में मतलब कितना 12 रहता है। इस तरह से आप लोग 12th का भी जानकारी दिया गया, मैथ में 20 होता है, केमिस्ट्री में 16 होता है, बायोलॉजी में 16 होता है, फिजिक्स में 16 होता है, फिजिकल एजुकेशन में 18 होता है, हिंदी में 40 होता है, साइंस में आप लोग 18 होता है, हिस्ट्री में आप लोग का 21 होता है, पॉलिटिकल साइंस में 12 होता है, अकाउंट्स में 16 होता है, इस तरह का जानकारी दिया गया है। तो आप लोग को जो इतना भी कोई मतलब एमसीक्यू ज्यादा दिया जाएगा तो आप लोग का नंबर पाने का भी मतलब चांसेस ज्यादा रहेगा और गलत होने का भी चांसेस ज्यादा रहेगा। तो आप लोग को हल्का में नहीं लेना है, आप लोग को पढ़ना है, थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। तुक्का नहीं मारना है, यही बताया गया यहाँ पे। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।